हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पिवानिया पर। आज यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज कंसेप्ट एंड सेकंड यूनिट से रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2020 में होने वाले जो हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन भिवानी के द्वारा मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम स्कोरर सीरीज चला रखी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैक्सिमम आपस में शेयर करें स्टूडेंट्स, तभी जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है इसमें फायदा हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट व्यू से डिस्कस किए थे, प्रॉब्लम्स ली थी, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पे आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ प्रेस कीजिए, आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वो वीडियो लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को दो पार्ट्स में, पार्ट वन और पार्ट टू एग्जाम स्कोरर के नाम से अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में, और प्लस टू के स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, उनके बहन भाई जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मार्च 2020 में एनुअल एग्जाम में अपीयर होना है। मैं 10th क्लास के भी साइंस सब्जेक्ट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेसन वाइज, तो वो भी आप अपने बहन भाइयों को सजेस्ट करें, वो भी वीडियो को देखें। तो इसमें बताएं करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने पहली यूनिट पढ़ी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज एट रेस्ट को स्टडी किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे बात करते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ करंट, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क के लिए एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो ये आप सभी को पता होगी, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ करंट एसआई यूनिट होती है एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम से ये सिंबल होता है। ठीक है, करंट का फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां से चार्ज कूलम में, टाइम सेकंड में, कूलम पर सेकंड, इसी को नाम दिया गया है एम्पियर। 2 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो हमने रिलेशन निकाली थी E by m into tau, जहाँ पे ये tau average relaxation time होता है, m is the mass of electron, e is the charge of electron and e is the external electric field under which electron are moving towards positive terminal of the battery in a conductor। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है, drift velocity की डेफिनेशन बताएं, तो drift velocity the velocity with which free electron in the conductor are drifting towards positive terminal of the battery in external electric field। फिर 1 मार्क के लिए मोबिलिटी एक कांसेप्ट है, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू, जो बताया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैरियर। जैसे मेटलिक कनेक्टर में बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, तो होल्स की भी मोबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, तो वो हम डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यहां से इसकी यूनिट और डायमेंशन भी बता सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए पूछी गई है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू एम ई ए वी डी। ठीक है, यहां पे I करंट, n नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ओम्स लॉ पे बेस्ड है क्वेश्चन, ओम्स लॉ 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोपोर्शनली साइन हटाते तब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर आता है, इस आर को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस, जो बन जाता है वी अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। तो इसकी यूनिट पूछें, 1 मार्क के लिए पूछी गई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम से सिंबल ये रहेगा। इसका 1 मार्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा गया है, तो
वो आप यहां से लिख पाएंगे V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, बताया था प्रीवियस वीडियो में I करंट, A सिंबल लेते हैं आ जाएगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 का जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्यों है कंडक्टर में, ठीक है। तो का जो रेजिस्टेंस बताएंगे the frequent collision between electron while drifting towards positive terminal of the cell or battery under external electric field, उनमें collision होता है उसके कारण resistance हो जाता है। resistance का मतलब opposition to the flow of charge कह गया। और resistance का formula अगर बात करें तो R equal to rho L by A, ये होता है यहाँ से, ये rho जो है इसको क्या कहा गया है, specific resistance और resistivity, ठीक है। तो यहां से रो अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा आर ए बाई एल, इसकी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में, तो ये ओम इनटू मीटर, ये बन जाएगी इसकी यूनिट। और इसी तरह से वन मार्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टेंस का आया है रेजिस्टेंस के साथ मीटर यानी कि लेंथ के एक पावर और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। ये वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला, याद रखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वहां से हमने ये R जो बताया ओम्स लॉ से V अपॉन I, ये एक्सप्रेशन ML अपॉन NE स्क्वायर टो इनटू A, मैं इसको ऐसे लिख दूं M अपॉन NE स्क्वायर टो into L by A, और इस फार्मूले को मैं कंपेयर करूं R equal to rho L by A, तो L by A छोड़ने के बाद मेरे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी M upon N E square into tau। तो यहां से बता सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर व्हिच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि एक तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो उनमें लगने वाला टाइम घट जाएगा जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एज ये कंसेप्ट है, एक नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर मेटल कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, तो मेटलिक कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टो जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, ये घट जाएगा जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है मेटलिक कंडक्टर्स के लिए। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर बात करें तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी बढ़ेगी लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए लेकिन नंबर डेंसिटी बढ़ने से ये घटनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कंपनसेट मोर देन द डिक्रीज इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बोर्ड एग्जाम में वन मार्क के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेटालिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ठीक है, लेकिन नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ेगी, देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर कंपनसेट मोर देन द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। सो ओवरऑल वी कैन से दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस एंड हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी जो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ये आपने पॉइंट नोट करना है।
सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन मार्क के लिए एमसीक्यू आपको डेफिनेटली कई बार पूछा गया, देखेंगे पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम पेपर तो उनमें मिलेगा। वन मार्क के लिए कंडक्टेंस पूछा नहीं गया है हालांकि अब तक। कंडक्टेंस कैपिटल जी सिंबल रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए यूनिट भी बता सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, जिसको हम महो ऐसे भी लिख सकते हैं या साइमन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा जा सकता है कंडक्टेंस के लिए। जो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल आना है, यानी कि MLT की पावर जो प्लस थी वो माइनस हो जाएंगी, माइनस थी वो प्लस हो जाएंगी इसके डायमेंशनल फार्मूले। कॉपर मेटेलिक कंडक्टर है ये, ठीक है। इसके लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रा करके दिखाना, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो मोस्टली जो है ये नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर में इस तरह से आएगा, ठीक है। लीनियरली इंक्रीज रेजिस्टिविटी, लीनियरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इंसुलेटर्स लाइक रबर और प्लास्टिक, इंसुलेटर्स की हम बात करें तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंसुलेटर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टू मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल या वन मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। हम बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे पहला बी ब्लैक कलर होता है, ये ब्राउन होता है, ये ध्यान रखना होता है। तीसरे नंबर पे जो बी आता है फिर ये ब्लू रहेगा। इसी तरह से दो जी आते हैं, यहाँ पहला जी रहेगा इस सेंटेंस में ग्रीन कलर के लिए, ये दूसरे वाला रहेगा ग्रे कलर के लिए। बाकी आपको पता है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है, इसमें बताया गया था जो कार्बन रजिस्टर है ये इस तरह से कार्बन का पाउडर इस पे ग्लू के साथ चिपकाया गया है, एक वायर के ऊपर एक कनेक्शन निकाले गए हैं, कार्बन रजिस्टर बनाया गया है, इसके ऊपर अलग अलग कलर्स की स्टिक बनाई जाती है, चार या तीन हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट टू स्टिक, पहली और दूसरी स्टिक का जो कलर है वो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। पहले दो स्टिक का कलर पहले दो डिजिट बताएगा, तीसरे कलर की जो स्टिक है उसका ये मल्टीप्लायर बताएगा, पावर ऑफ 10 बताएगा, पावर ऑफ 10 मल्टीप्लायर। और फोर्थ जो स्टिक होती है उसका कलर टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर कलर के लिए प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं दे रखा हो, तीन स्टिक दे रखी हो, नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%, ये टॉलरेंस रहेगी। कार्बन रजिस्टर पे डेफिनेटली एक नंबर का दो नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ये सेंटेंस याद रखना है। और इसके लिए बताया था ये ब्लैक ब्राउन 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट आएंगे, ठीक है। 9 इसी तरह से 10 टू पावर 0 से लेकर 10 टू पावर 9 तक इनके मल्टीप्लायर वैल्यू रहेंगी। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ये टॉपिक बनता है 3 मार्क्स के लिए या इनके ऊपर 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ये आपने नोट करना है। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, जबकि पैरेलल में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल आता है, जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है। ये फार्मूले याद रखेंगे सीरीज और पैरेलल के लिए, डेरिवेशन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए या न्यूमेरिकल मिलेगा आपको एक दिए हुए डायग्राम पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। हम
प्रॉब्लम भी लेंगे इस पे। फिर आता है सेकंड यूनिट बी चैप्टर, और सेकंड यूनिट बी चैप्टर में सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वन मार्क के लिए ही वन मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट लॉ या जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ जंक्शन पे लगता है इसलिए जंक्शन लॉ कहते हैं, करंट का सम जीरो बताएगा जंक्शन पे इसलिए करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज का सम जो है बताया है समेशन ऑफ आई इनटू आर के बराबर होता है। किसी भी क्लोज लूप में हम समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो ये कह सकते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन किस कांसेप्ट पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये वन मार्क के लिए एमपी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में, कि ऑन व्हिच कांसेप्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड और ऑन व्हिच कांसेप्ट किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और करंट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थ्री मार्क्स के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स प्रिंसिपल। तो उसमें आप व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे, चार रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में जुड़े होते हैं, इनका सिंबल हमने पी क्यू आर एस दिया था, ये पी ये क्यू ये आर और ये एस, इनमें हम सप्लाई देते हैं ऐसे बैटरी से कनेक्ट करके, यहाँ पी लगा दी। ठीक है, और इन एंड के अक्रॉस हम टैपिंग की के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देन P by Q will be equal to R by S. ये इसकी आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल रहेगा, then Wheatstone bridge is said to be balanced. Meter bridge is the practical form of Wheatstone bridge. ये भी थ्री मार्क्स के लिए to find out unknown resistance. ये एक बताया था. एक मीटर वायर होती है, यहाँ पे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है, इस गैप में यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस एस जुड़ा होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वायर के थ्रू ये जॉकी, ठीक है, बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। तो ये जो ए बी वायर की वन मीटर लेंथ की एल लेंथ की बैलेंसिंग लेंथ दूसरी तरफ हो जाती है माइनस एल, तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस जो निकाला था वो था 100 माइनस एल अपॉन एल into R, ठीक है, resistance box से क्या निकाल रखा होता है। तो ये वाला 3 marks के लिए, 5 marks के लिए essay type question, long answer type, वैसे chances कम है लेकिन एक आध बार बने हैं तो हो सकता है पूछ लिया जाए, वो बनेंगे आपके potentiometer की जो applications है, applications of potentiometer जिसमें आप करेंगे comparison of EMF of two cells. दूसरी एप्लीकेशन रहेगी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये दो एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की 5 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। इस यूनिट में जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, उन पे न्यूमेरिकल भी एमसीक्यू में या 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन पे बनना है पहले यूनिट से, अगर उन पे न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो 30 ओम का है। ठीक है, तो इसमें पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन द सर्किट, दो चीजें पूछ ली गई हैं। एक हालांकि एक ही पूछेगा इसमें, दो नंबर में अगर पूछता है टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है इसमें न्यूमेरिकल तो एक ही चीज पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं 15 ओम और 30 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्ट हैं, क्योंकि तीनों का एक एंड तो एक जगह कनेक्ट है और दूसरी साइड का एंड तीनों का एक दूसरी जगह पे कनेक्ट है, तो ये तीनों कैसे हो गए पैरेलल। तो 1 अपॉन RP निकालेंगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15, 30 यहां एलसीएम आएगा, 1/6 आ गया, तो यहाँ आ गया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम, इन तीनों की जगह 6 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल वाला फार्मूला लगा के इसको श्योर कर दिया है। ठीक है,
इन तीनों की जगह अब एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू है 6 ओम। ये श्योर हो गया इतना। ये अब देख रहे हैं 4 ओम 6 ओम ये कैसे हो गए हैं सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगा 4+6 यानी कि 10 ओम। तो रेजिस्टेंस तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। एंड करंट निकालना हो तो यहां से करंट भी आ जाएगा, करंट बाय ओम्स लॉ V / R। V दे रखा है यहां पे 10 वोल्ट बैटरी सप्लाई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया है 10 ओम। तो ये 1 एम्पीयर करंट आ जाएगा इस सर्किट। पूछा था एक बार बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश अल्फाबेट ए जो होता है उस शेप में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं कुछ, ये इस तरह से, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं ये लेता हूं 5, ये 10, ये 10, ये 15, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए और बी। देन यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ये निकालना है। इस इंग्लिश अल्फाबेट ए के आकार में रेजिस्टेंस का डोमेंशन दे रखा है, आपको इसकी लेग के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं 5 ओम 5 ओम, देखिए ये एक रो में आ रहे हैं तो ये है सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में ये डायरेक्ट जुड़ेंगे 5+5 10 ओम, यानी इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया है जिसकी वैल्यू है 10 ओम। अब ये 10 ओम और ये 15 ओम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि इन दोनों का एक एंड एक जगह पे दूसरा एंड दूसरी जगह पे पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 × 15/10 = 15, तो ये 150/25 और ये आ गया है 6। तो इन दोनों की जगह पे श्योर होके हमारे पास एक वैल्यू आ गई 6 ओम। अब ये 10 ओम 6 ओम और ये 10 ओम ये तीनों सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ेंगे 10+6+10 और ये आ गया हमारा 26 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कम्स आउट टू बी 26 ओम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बेस्ड जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है कौन से पैरेलल में है, और फिर वो सीरीज और पैरेलल वाले इक्विवेलेंट के फार्मूले लगा के हम उसको श्योर करते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एक बार, थर्ड प्रॉब्लम जो है कई बार पूछी गई है, चाहे तो इस ये मैंने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बनाया है और कई बार इसको बोर्ड एग्जाम ने क्या किया है बोर्ड एग्जाम में कैपेसिटेंस यहां पे दिखा दी गई है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक ही टाइप का रहा है। ये यहां पे ये सारे जो है ओम में रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए और बी और पूछ लिया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम देख रहे हैं दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरह से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है P/Q = R/S, 10/20 दैट इज 1/2, R/S आ गया 5/10, ये भी 1/2, so P/Q = R/S, so this is balanced Wheatstone bridge, and in case of balanced Wheatstone bridge, this arm becomes inactive, that is this arm behave like open circuit, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया तो 10 ohm 20 ohm ये सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 10+20 30, यानी दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 30 ओम। इसी तरह से 5 और 10 ओम ये दोनों भी सीरीज में, तो ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 5+10 दैट इज 15 ओम। अब 30 और 15 ओम एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दोनों की गुणा बटे दोनों का सम, तो ये 450 ऊपर आ गया और 45 नीचे आ गया, ये कट के 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो ये यूनिट सेकंड हमने की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के लिए।